हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बैंक सब स्टाफ की एक्सपेक्टेड सैलरी आफ्टर 11th पीपीएस क्या हो रही है वह देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लास्ट आईबीए व यूएबीयू की मीटिंग में जो डिसाइड हुई है वह 15% इंक्रीज इन पे स्लिप कॉम्पोनेंट विद 2% लोडिंग फैक्टर हुआ है। हमारी कैलकुलेशन इसी पर आधारित रहेगी। उससे पहले फरवरी 2020 में जो डीए में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद सब स्टाफ की सैलरी क्या होगी उसे देखेंगे। बैंक सब स्टाफ की बेसिक 9,560 रुपए है और 75.90% डीए यानी कि 7,256 रुपए। डीए और स्पेशल पे अलाउंस जो कि 1,457 रुपए विद डीए बनेगा और एचआरए 717 रुपए। तो यहाँ टोटल सैलरी जो फरवरी 2020 को होने वाली है सब स्टाफ के लिए 18,990 रुपए। इसके अलावा अगर कुछ अलाउंसेज हैं तो उन्हें इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि 11th बीपीएस के बाद बैंक सब स्टाफ की सैलरी कितनी रहेगी। सबसे पहले हम बेसिक पे को निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अभी आईबीए ने ऑफर किया है कि 31 मार्च 2017 को जितना भी वेज बिल होगा उसका 15% दिया जाएगा और एज पर 10th बीपीएस यहां भी 2% लोड फैक्टर रहेगा, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी पर सिर्फ लोड फैक्टर ही अप्लाई हो पाएगा। सब स्टाफ की बेसिक पे जो कि 9,560 रुपए है जिस पर डीए को मर्ज किया जाएगा और जो डीए अक्टूबर 2017 पर था यानी कि 47.8% डीए को इसमें मर्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, हमने हमारे लास्ट वीडियो जिसमें कि क्लर्क और ऑफिसर की सैलरी की कैलकुलेशन को बताया था वहां हमने बाई मिस्टेक डीए एज ऑन मार्च 2017 को मर्ज करके कैलकुलेशन कर दी थी, लेकिन वहां भी डीए एज ऑन अक्टूबर 2017 ही मर्ज किया जाएगा। यहां बेसिक में 47.8% डीए को मर्ज करेंगे तो डीए यहां बनेगा 4,569 रुपए। अब इसे बेसिक पे 9,560 में ऐड कर दिया जाएगा जो कि 14,129 रुपए होगा और अब इस पर 2% लोड फैक्टर को का इंक्रीज दिया जाएगा। यहाँ 2% लोड फैक्टर बनेगा 282 रुपए। इसको हम ऐड करेंगे न्यू बेसिक पे में, तो इसको हम ऐड करेंगे बेसिक पे में प्लस डीए में और यहाँ सब स्टाफ के लिए न्यू बेसिक पे निकल कर आएगी 14,411 रुपए। अब न्यू बेसिक पे पर बचा हुआ डीए अप्लाई होगा। डीए कितना बचेगा? अक्टूबर 2017 में डीए था 47.80% और फरवरी 2020 में डीए है 75.90%। यहाँ डीए का डिफरेंस 28.10% है जिसे यदि स्लैब में चेंज किया जाए तो यहाँ स्लैब निकल कर आएंगे 281 स्लैब। और जैसा कि आईबीए और यूएफपीयू के बीच ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि डीए जो है वह 0.07% पर स्लैब रहेगा, तो यहाँ 281 स्लैब को मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 से तो न्यू डीए होगा 19.67%। यह डीए सब स्टाफ की न्यू बेसिक पे पर मिलेगा। अब हम यहाँ टोटल 15% इंक्रीज में से 2% को लोड फैक्टर के रूप में यूज कर चुके हैं। इसके अलावा 13% बचता है जिसे अदर अलाउंसेज में ऐड किया जाएगा, जैसे कि स्पेशल पे है, एचआरए है एटसेट्रा, इनमें इंक्रीज किया जाएगा। तो यहाँ टोटल सैलरी फॉर बैंक सब स्टाफ के लिए लगभग 22,300 रुपए के आसपास बनेगी यदि इसी तरह से कैलकुलेशन किया गया तो। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि यह कैलकुलेशन ठीक नहीं है और आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।